इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम HL को लेके बात करेंगे, जिसमें HL को जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो दिया गया है 12 LUH के लिए, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्क है वो शुरू कर दिया गया है, और जो 2 LUH है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, एडवांस स्टेज में है। एक जो RFQ है एक बड़े ऑर्डर के लिए LUH के, वो भी इशू कर दिया गया है। तो ये भी आपको एक नया डेवलपमेंट है। LUH को लेके हम सभी अवेयर हैं कि ये जो 12 LUH अभी बन रहे हैं 6 आर्मी के लिए होंगे और 6 ही आपके एयरफोर्स के लिए होंगे। टोटल 187 के नंबर में जो LUH हैं वो प्रोड्यूस होने हैं, जिसमें 126 आर्मी के लिए है और 61 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स के लिए है। जो DAC का अप्रूवल इनके प्रोडक्शन के लिए 12 LUH के प्रोडक्शन के लिए 2021 में दे दिया गया था। यहाँ पर जो नया प्लान है एक बड़े ऑर्डर का वो किया जा रहा है और RFQ इशू किया गया है। तो अभी यहाँ पे HL इस बड़े RFQ को रिस्पॉन्ड करेगी और अगले 1 से 1.5 सालों में जो कंक्लूजन है वो होते हुए दिखेगा। इसी में हम LCH को लेके बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम सभी अवेयर हैं कि 15 के नंबर में जो LSP LCH हैं वो आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे थे, और LCH को लेके जो पहला अटैक स्क्वाड्रन है आर्मी ने जून में ही रेज किया था बेंगलुरु से, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मूव किया जाएगा। तो ये एक क्रूशियल स्टेप है। हम सभी अवेयर हैं कि दूसरी तरफ चीन जो उनके अटैक हेलीकॉप्टर है वो डिप्लॉय कर रहा है LAC के अराउंड, तो कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है अटैक हेलीकॉप्टर को भारतीय सीमा की तरफ वो क्रूशियल है। हम सभी अवेयर हैं कि जो रुद्रा है ऑलरेडी 90 के नंबर में डिप्लॉयड हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अटैक हेलीकॉप्टर की पोटेंसी है स्पेशली LCH के रूप में वो बढ़ाने के लिए इसका जो बड़ा ऑर्डर है वो जल्दी आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग ये है कि जो LCH का स्क्वाड्रन रेज किया गया है बेंगलुरु से, उसको मूव कराया जाएगा LAC पे ईस्टर्न कमांड के थ्रू। तो 15 LSP LCH में से जो 9 हैं उनको प्रोड्यूस कर लिया गया है और ऑलरेडी वो एक्सेप्टेंस स्टेज पे है। जल्दी उनको एक्सेप्ट करके फोर्सेस को दे दिया जाएगा और जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे लगभग प्लानिंग ये है कि 95 के नंबर में जो LCH है वो प्रिक्योर हों, मतलब 95 का जो ऑर्डर है वो आपको आते हुए दिखेगा। तो कहने के माउंटेन एरियाज में LCH आपका कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे प्रत्येक स्क्वाड्रन में जो 10 हेलीकॉप्टर्स हैं वो रहेंगे। तो जो पहला LCH स्क्वाड्रन है वो अगले कुछ मंथ में ही आपको दिखने वाला है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा अपडेट ये है कि जो LUH का ऑर्डर है वो अभी फिलहाल 111 के नंबर में देख रही है आर्मी, जो कि अर्लियर 126 था। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की बात कर ही रहे हैं, तो बात कर लेते हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसको लेके हम सभी अवेयर हैं कि 39 के नंबर में जो A-64 है वो सैंक्शन किए गए थे CCS के द्वारा, और इस 39 में से जो 22 हैं वो ऑलरेडी प्रिक्योर इंडक्ट किए जा चुके हैं IAF के द्वारा। इसी में आर्मी के लिए जो 6 हेलीकॉप्टर हैं अपाचे, जिनकी जो लागत है वो $800 मिलियन के अराउंड थी, उसकी डील साइन की गई थी, जिनको लेके जो डिलीवरी है वो 2023 के पहले हाफ में शुरू होनी थी। लेकिन इसको लेके इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अराइवल है अपाचे का आर्मी के लिए वो 2024 में पोस्टपोन हो चुका है कोविड की वजह से। तो 2024 के Q2 तक आर्मी के लिए जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी डिलीवरी शुरू होगी, और CCS द्वारा सैंक्शन किए गए जो 39 का नंबर है उसमें से आर्मी चाहती है कि 11 और अपाचे उनको दी जाए, जिसको यहाँ पे बोइंग ने भी कंफर्म किया है कि वो आर्मी के साथ वार्ता में है 11 और अपाचे को प्रिक्योर करने के लिए। तो 11 ये हो गए और 6 ऑलरेडी इनके लिए ऑर्डर किए जा चुके हैं, तो टोटल जो 17 का नंबर है वो आर्मी के पास रहेगा अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर्स का। तो ये कुछ नए डेवलपमेंट है आर्मी और IAF के हेलीकॉप्टर प्रिक्योरमेंट को लेके। इसी में हम बात करते हैं MOD के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि साइन किया गया भारत की BEL के साथ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है वो 250 करोड़ के अराउंड है। तो इसके अंतर्गत BEL जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है वो सप्लाई करने जा रही है MOD को, स्पेशली इंडियन नेवी के जो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके लिए जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम होंगे वो सप्लाई होंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो सिस्टम रहने वाला है वो DRDO और BEL का इंटीग्रेटेड ASW कॉम्प्लेक्स यानी कि ISC Mod C रहने वाला है। यहाँ पे ISC Mod C की बात करोगे तो इसको स्पेशली बनाया गया है NSTL के द्वारा इंडियन नेवी के सभी सर्फेस वेसल्स के लिए। तो बेसिकली एक फायर कंट्रोल सॉल्यूशन को कंप्यूट करता है और जो फायरिंग है ASW वेपन की उसको कोऑर्डिनेट करता है। ASW वेपन में जो आपके टॉर्पीडो हैं और रॉकेट्स हैं वो दोनों आ जाएंगे। तो जिस तरह के भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो मॉड सी को। तो 9 के नंबर में इस तरह के जो सिस्टम है वो सप्लाई किए जाएंगे नेवी को। अगर यहाँ पे मॉड सी की बात करते हैं तो कुछ ऐसा जो इंटीग्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो ASW रॉकेट है उससे इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, टॉर्पीडो ट्यूब से इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, और जो डिकॉय लॉन्चर है उससे इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है। सो ये सभी कनेक्टेड रहते हैं वेरियस स्टेशन से, और इनको इंटीग्रेट करके रडार के साथ, RLG के साथ, GPS के साथ और सोनार के साथ जो डेटा है वो तैयार करता है आपका मॉड सी कोऑर्डिनेशन के साथ। फीचर्स की बात करोगे तो ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है, कोई भी यूनिट आप इंटीग्रेट कर सकते हो और यहाँ से निकाल सकते हो। ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, कॉमन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है। यहाँ पे जो इंटरफेस है उसको लेके जो एर्गोनॉमिक्स है वो ऑपरेटर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और ये एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम है। तो इसको 9 के नंबर में सप्लाई करने को लेके जो डील है वो साइन की गई है मॉड और BEL के बीच में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।